फिर भी हरिद्वार से क्या लगता है आपको, कौन निकालेगा? हरिद्वार से फाइट तो देखो जी, उमेश कुमार की और त्रिवेंद्र की होगी। हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए क्या कहेंगे? क्या बोल भले ये है कि जो उसमें जो लोग उठते हैं उन्हें देने का तो मन नहीं करता, बट क्या करें, मोदी के चक्कर में। हाँ, बस अंकिता भंडारी के लिए अभी तक बीजेपी ने एक शब्द नहीं बोला, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी आती है तो क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाएगा विदेश में? मोदी की वजह से मतलब बीजेपी आ सकती है? यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की वो तो कुछ नहीं है, पर मोदी की वजह से। 400 का उन्होंने नारा दिया है, वो होगा 400 ना भी और 350 प्लस ही होगा। क्यों उमेश कुमार को चाहते हैं आप? उमेश कुमार इसलिए चाहते, गरीबों के इतने सारी बातें करते हैं, हर चीज करते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं विधानसभा के अंदर जाके। हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए क्या कहेंगे, कौन जीतेगा? रमेश पोखरियाल जी। आप बीजेपी को ही देंगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? कारण कुछ भी समझ लो, हम उसके फैन है, कुछ भी समझो। प्रणाम नमस्कार, मैं अंकित गैरोला और आप इस वक्त देख रहे हैं लोकार्पण। जी हाँ, लोकसभा 2024 के सुखबुखार शुरू हो चुकी है, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को भी धरातल पर उतार दिया है। ऐसी ही 5 लोकसभाओं में से एक लोकसभा हरिद्वार भी आती है। हरिद्वार से भी कांग्रेस ने, बीजेपी ने, या फिर हम यूं कहें कि अन्य लोग भी धरातल उतर चुके हैं अपने प्रत्याशियों को लेकर। अब बात करते हैं अगर कि बीजेपी से, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। कांग्रेस से बोलेंगे कि तो हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत, और इन्हीं के साथ इन्हीं के पक्ष में उतरे हैं उमेश कुमार और साथ ही भावना पांडे। मगर क्या कुछ ऋषिकेश की जनता का रुझान होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट पर, और कौन उनके पसंदीदा प्रत्याशी होने वाले हैं? चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सर से बात करते हैं। सर नमस्कार, कहाँ से हैं आप? यहीं से आप तो हरिद्वार लोकसभा सीट हरिद्वार की, क्या लगता है हरिद्वार में कौन जीतेगा इस बार? अभी तो देखो रुझान आने दो, अभी तो पता चलेगा, अभी तो कोई वोट मांगने आएगा तभी पता चलेगा। वोट मांगने तो पिछले 5 साल पहले भी आए थे, मगर विकास के नाम पर आप किसे वोट देने वाले? देखो विकास तो पार्टी कर रही है। कब कौन जीतने वाले, उमेश कुमार जीतेंगे, भावना जीतेंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत या वीरेंद्र सिंह रावत? वो सीट निकलनी बीजेपी की है। बीजेपी की सीट निकलेगी और किसी की निकलती नहीं है, निकलेगी उन्हीं की निकलेगी। कारण क्या है? मोदी के नाम से वोट। अच्छा, अगर विकास की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का विकास, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। फिर भी हरिद्वार से क्या लगता है आपको, कौन निकालेगा? हरिद्वार से फाइट तो देखो जी, उमेश कुमार की और त्रिवेंद्र की होगी। अच्छा, उमेश कुमार त्रिवेंद्र। उमेश कुमार के पास भी काफ़ी जनता उन्होंने बटोर रखी अपनी, तो क्या कुछ असर पड़ने वाला है? लग रहा है कि क्या नाम, कोई कह रहा है कि सीट वो निकालेगा, अब कह नहीं सकते कुछ भी। बाकी तो बीजेपी का तो देखो डंडा है, अच्छा है, डंका बज रहा है तो निकाल सकते हैं। हाँ, बीजेपी का तो डंका है, निकाल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने स्पष्टता से जवाब दिया है कि जब रुझान देखने को मिलेगा तभी सब कुछ होएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे लोगों से बात करेंगे। हरिद्वार में आप प्रत्याशी उतरिए जब धरातल पर, तो एक बार हम क्या बोलने, आप मतलब कि को आप पसंदीदा कैंडिडेट हो कि जीती चाहिए हरिद्वार में? हरिद्वार में तो बीजेपी जीत ली, बीजेपी के लिए मतलब वक्त कांग्रेस भी छे, उमेश कुमार छे, भावना पांडे छे, त्रिवेंद्र सिंह रावत छे, नए वान ना। अच्छा प्रत्याशी, अच्छा ही नए यून नहीं जीतन जीतला पर वो तरह कम मार्जिन से हो जाओ ना, कम मार्जिन बीजेपी जीत सकते हो। बीजेपी के लिए मतलब बीजेपी क्या ऐसा कुछ काम, बीजेपी मोदी जो ऐसा काम कर लग गया। उमेश कुमार से जान दे, उमेश कुमार से, त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र की जान ना मुख्यमंत्री। हाँ, अब बीजेपी बिटिन हरिद्वार बिटिन लड़ने और सांसद थे, क्या लगा कितना प्रतिशत वोट मिल जा लूं? सीट निकाल दे, निकाल दे बीजेपी सीट निकाल दे हरिद्वार में। हाँ, 100% निकाल दे। हाँ, निकाल दे। अगर हरिद्वार की बात करें, उमेश कुमार या फिर भावना पांडे या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत या वीरेंद्र सिंह रावत, इनमें से कौन जीतने आपको लगता है? अब देखो वहाँ पे हम बता नहीं सकते हैं, देखो कहीं ना कहीं तो मोदी लहर भी है। अच्छा, तो क्या पता त्रिवेंद्र रावत जी सीट निकाले वहाँ पे। हरीश रावत के बेटे उतरे हैं वीरेंद्र रावत। जी जी जी, तो वीरेंद्र हरीश रावत की भी कहीं ना कहीं दबदबा था एक बार के लिए उत्तराखंड में, और हरिद्वार की बात करें तो वहाँ भी उनका हल्का सा एक दबदबा है। आपको नहीं लगता अगर वीरेंद्र सिंह रावत जीत सकते हैं? अब देखो जीत हार तो जनता तय करती है, अब देखो कौन क्या पता, कहीं ना कहीं क्या पता मोदी लहर भी, मोदी फैक्टर भी काम करेगा, तो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीट निकाल सकते हैं मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, क्योंकि अगर मोदी लहर के उससे, हाँ मोदी लहर के उससे। काम की बात करें, विकास की बात करें, तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो एक बारी,
हाँ तो विकास तो अपनी अपनी जगह, हर कोई विकास के लिए पैरवी करता करता है, कहीं कम कहीं ज्यादा होता रहता है, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा आ जाओ, थोड़ा सा बात कर लूँ मैं आपसे। नमस्कार सर, कहाँ से आप? यहीं से होंगे? ऋषिकेश से। हरिद्वार लोकसभा सीट बढ़िया है। बढ़िया है। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? त्रिवेंद्र सिंह रावत। बिल्कुल। क्यों, मतलब किस कारण से? मोदी जी के कारण। उमेश कुमार जी भी लगातार टक्कर पे उनके खड़े हो रहे। कोई भी टक्कर पे हो जी, हमें तो एक ही टक्कर देखनी है, मोदी जी की सरकार है, बस बात कर दो। मोदी जी की सरकार है। मतलब विकास के नाम से अगर बात करें तो कौन जीतना चाहिए? मतलब एक जनता के हिसाब से आप देखें, अपनी पीढ़ी के हिसाब से देखें, आगे आने वाली पीढ़ी को क्या विकास मिलने वाला है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन जीतना चाहिए? नहीं, विकास के नाम पे तो बीजेपी ने काम अच्छा ही करा है, इन 10 सालों से देख ही रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सब जगह सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, विकास अच्छा ही हो रहा है, और आगे भी उम्मीद है कि 5 सालों में और अच्छा होगा। बाकी पूरी जनता को तो कोई भी पार्टी खुश नहीं कर सकती, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी इस बार फिर से? पूरी उम्मीद है जी, 101% उम्मीद है। मतलब जो 400 का उन्होंने नारा दिया है वो होगा? 400 ना भी हो, 350 प्लस ही होगा। 400 ना भी हो, 400 नारा दिया है लेकिन 350 प्लस ही होगा, पूरे बहुमत की सरकार आएगी। बहुमत से आएगी। सर आपसे बात कर सकता हूँ? बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात कर सकता हूँ? आप भी यहीं ऋषिकेश? हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए क्या कहेंगे? क्या बोल क्या लगता है आपको कौन आएगा? बीजेपी आएगी? बीजेपी? हाँ बीजेपी आनी है। उमेश कुमार भी काफ़ी वो बटोर रहे हैं वहाँ पे, उनके पास काफ़ी पब्लिक है, रात को एक डेढ़ बजे तक वो काम करते, कहते हैं कि इस बार तो मैं ही आऊँगा, फिर आप कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आएंगे? आनी है तो बीजेपी है, बात है कुछ भी आए आनी बीजेपी है, बीजेपी में जो भी है आनी सब बीजेपी है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे वहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पे कोई और भी है, आएगी बीजेपी, आएगी बीजेपी। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? जी कपूरवारम से। कपूर मतलब ऋषिकेश से हुए, हरिद्वार लोकसभा सीट, क्या लगता है इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट का क्या किसको जाने वाला है? बीजेपी। बीजेपी जाएगी? कंफर्म? कंफर्म। क्यों, क्या कारण से? मोदी जी का नाम हर जगह देश विदेश में, मोदी की वजह से मतलब बीजेपी आ सकती है? यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की वो तो कुछ नहीं है, पर मोदी की वजह से। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं क्षेत्रीय नेताओं की वजह से तो नहीं, मगर मोदी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से हो ही सकता है, सिर्फ ओनली मोदी जी की वजह से। उमेश कुमार भी टक्कर में उतरे हुए? मुझे नहीं लगता उनके भी खास नहीं, मतलब मोदी जी की, मोदी जी की वजह से अगर जीतेंगे, मोदी जी की वजह से, वरना क्षेत्रीय जनता नेता कुछ बाकी खत्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से हैं? ऋषिकेश। हरिद्वार लोकसभा? यस। हरिद्वार लोकसभा सीट को ही देंगे आप वोट? क्या लगता है कौन जीत सकता है? सर मेरे हिसाब से बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी? क्या क्या कारण, क्या कारण होगा? ये सर अपना थोड़ा जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को ही आना चाहिए। बीजेपी क्या क्या काम करें, एक दो विकास मतलब कुछ, जैसे कि आपका 370 धारा है और अपना शांति है, इस हिसाब से मतलब बहुत सारे विकास हैं जो ऐसा लगता है कि बीजेपी को ही आना चाहिए। बदलाव नहीं होना चाहिए इस बार? सर मुझे तो कुछ हिसाब नहीं लगता बदलाव के लिए। नहीं जी, पर होना बीजेपी नहीं? जी ओनली बीजेपी। कितना परसेंट लगता है, कितना प्रतिशत अगर आप 100 में से बोलेंगे कितना? 99% 99% पे बीजेपी? यस सर। यस चलिए सर, मैं भी बहुत स्पष्ट सर से बात करते हैं, आप कहाँ? हरिद्वार से जी। मतलब क्या लगता है हरिद्वार लोकसभा सीट पर क्या होने वाला है? 99 बीजेपी है। 99 बीजेपी है, कोई नहीं रोक पाएगा उसे, काम किए उसने भाई, काम के चलते हम वोट देते हैं मोदी को। अच्छा भाई यहाँ पे कोई हो या हरिद्वार में कोई, उससे मतलब नहीं, हमारा वोट मोदी पे जाता है, सिर्फ मोदी पे, कोई नहीं रोक पाएगा सरकार को। 400 पार वो कह रहे हैं तो 400 पार ही जाएगा, 400 पार ही जाएगा। मैम क्या, नमस्कार मैम, कहाँ से आप? हम श्यामपुर से भैया। अरे हम भी श्यामपुर, पड़ोसी हो गए हम फिर तो। पड़ोसी है क्या? हम तो पड़ोसी। अच्छा हरिद्वार लोकसभा सीट ही आती है आपकी? अच्छा। क्या लगता है कौन आने वाला है इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट? वहाँ से कौन कौन है? उमेश कुमार हैं। अच्छा। जो कि निर्दलीय लड़ेंगे। अच्छा। भावना पांडे निर्दलीय लड़ेंगी। उमेश कुमार कौन वकील है जो? उमेश कुमार कौन वकील है जो? वकील है जो उमेश कुमार जी, आपका एक नंबर, ठीक है। अच्छा अब दूसरा, अगर बीजेपी से वो उतरे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह रावत, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार, बीजेपी के, कांग्रेस के या फिर निर्दलीय? सर मतलब बीजेपी का तो ये है कि मोदी के चक्कर में तो सब वोट देते हैं, ठीक है, वैसे तो अगर कोई देना चाहे या ना देना चाहे, बट उनके चक्कर में तो सभी देते हैं। हम लोग भी खुद यही, हम तो बीजेपी को देंगे भाई। अच्छा आप बीजेपी को ही देंगे? आजी, आजी। ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा तो नहीं है, बट उन्होंने बहुत कुछ किया है, अभी हमें फ्री राशन मिल रही है, सब कुछ है ना, और क्या, सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो इस बार फिर से बीजेपी आएगी हरिद्वार। हाँ भले ये है कि जो उसमें जो लोग
उठते हैं, उन्हें देने का तो मन नहीं करता, बट क्या करें, मोदी के चक्कर में। हाँ बस वोट दे। हाँ जी, हाँ जी, चलिए किसी के चलते। हाँ, उनका कहना है कि क्षेत्रीय नेता, बहुत बहुत धन्यवाद, क्षेत्रीय नेता भले कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर सामने से अगर हम बात करें सिर्फ मोदी जी की, तो शायद मोदी जी के चलते आप आराम से कर सकते हैं, आराम से वोट दे सकते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, इंटेलेक्चुअल लग रहा है। मैम से बात करते हैं, मैम बस हो गया, चलिए ठीक है। अच्छा, ये भी बोलेंगे, भाई जी बोलेंगे। अच्छा भैया जी, प्रणाम। प्रणाम भैया, कहाँ से हुए? इधर 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 देखो यार, इधर से आए हो, कैमरामैन इधर आओ थोड़ा सा, जरा दिखाएंगे किधर से आप। हम यहीं ऋषिकेश से सर। हरिद्वार लोकसभा सीट। हाँ जी, क्या लगता है कौन जीतेगा? बीजेपी सर आएगी। बीजेपी, बस जी, हरिद्वार लोकसभा सीट से। जी सर, जी सर, उसे ही आना चाहिए। आना चाहिए जी। कारण? कारण कुछ भी समझ लो, हम उसके फैन है, कुछ भी समझो, हम मोदी जी से मोहब्बत करते हैं। हाँ, प्रेम है उनसे बहुत अच्छे, इस वजह से। जी सर, पर विकास के नाम पे अगर बात करें तो कौन आना चाहिए? कर रहे मोदी जी, मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं। क्षेत्रीय नेताओं की बात करें हम, अगर देखो नेताओं की तो नहीं कह सकते सर कुछ, हमें सिर्फ मोदी जी जानते हैं। सिर्फ मोदी जी? जी। अगर मोदी जी आए? बस मोदी जी आएंगे, आएंगे ही आएंगे ही आएंगे, चाहे क्षेत्रीय नेता कैसा भी हो, वो कैसा भी हो, बस मोदी जी को लाना है। बस बस बस, चलिए भाई जी, मोदी जी चाहिए, बस मोदी जी। नेता जी से क्या करना, कोई भी आएगा तब भी हमें तो कोई लाभ तो है नहीं, हमें तो मोदी जी से मतलब है, बस सिर्फ मोदी जी से मतलब है। आपको भी मोदी? जी 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 सर, सबसे बढ़िया, हमारा भारत आगे ले जा रहे हैं वो, आज लोग विदेश के लोग हमारे भारत के पैर छूते हैं, मोदी जहाँ भी जाते हैं ऐसे करते हैं, लोग ऐसे पैर छूते हैं। चलिए नमस्कार, कहाँ से हुए? ऋषिकेश। ऋषिकेश से, हरिद्वार लोकसभा सीट से ही हुए। क्या लगता है हरिद्वार में कौन आएगा इस बार? बीजेपी। बीजेपी, और कोई नहीं आना चाहिए? अरे जो मोदी ने किया वो किसी ने किया है अब तक? अच्छा, जो मोदी ने किया वो किसी ने नहीं किया, इसलिए मोदी ही आएगा और क्या, और किसी का कोई चांस नहीं है? नहीं, मगर मगर मोदी, अगर मान लिया मोदी तो अच्छे काम कर रहे हैं, मगर क्षेत्रीय नेताओं के बारे में क्या कहेंगे आप? जो ऊपर से आएगा वही ऑर्डर तो मोदी करेंगे। मोदी तो ऊपर से ऑर्डर दे रहे हैं। हाँ। मगर क्षेत्रीय नेता तो उस प्रकार से काम नहीं कर रहे ना? क्षेत्रीय नेता भी कर रहे हैं बीजेपी के। कर रहे हैं आप बीजेपी से? हाँ जी। आप बीजेपी के कोई कार्यकर्ता है? नहीं नहीं, मतलब आप बीजेपी को ही देंगे? देंगे। चलिए, ये भी बीजेपी को देंगे। भाई बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, भाई के पास चलते हैं। नमस्कार सर, कहाँ से आप? सर ऋषिकेश से। ऋषिकेश से, हरिद्वार लोकसभा सीट पे क्या लगता है कौन आने वाला है? बीजेपी आएगी सर। तो बीजेपी? हाँ। मतलब मुझे क्या लग रहा है, ऋषिकेश की जनता काफी रुझान उसका सिर्फ बीजेपी की तरफ है, कारण क्या है? मतलब हर कोई बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अब कारण सिर्फ मोदी जी हैं, बस बस मोदी जी है कारण। चलिए भैया अंदर से कुछ कारण बता रहे हैं मुझे। हाँ जी, कारण कारण क्या है? अभी है कि मोदी है तो मुमकिन है, बस कारण और कुछ नहीं है। पर क्षेत्रीय नेताओं की बात करें तो फिर तो वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक, अगर उत्तराखंड में इतनी तमाम चीज़ें हो गई है, अंकिता भंडारी के लिए अभी तक बीजेपी ने एक शब्द नहीं बोला, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी आती है तो क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाएगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी बीजेपी ने भी लगी हुई थी इस काम में, अब आगे भी देखो क्या होता है, अब आगे सरकार आएगी फिर आगे कंटिन्यू होगा इस बात, आगे कंटिन्यू होगा। हाँ, मतलब आपको लगता है बीजेपी आनी चाहिए? आनी चाहिए, और कोई है नहीं ना सर सामने, है तो उमेश कुमार के पास काफी जनता है। हाँ, उमेश कुमार। उमेश कुमार आएगा? हाँ। नहीं, युग का नया दौर चाहिए अब की बार आदमी को। अभी तक के पूरे कन्वर्सेशन में उमेश कुमार आप जी आपके लिए एक मिले हैं, ठीक है, क्यों उमेश कुमार को चाहते हैं आप? उमेश कुमार इसलिए चाहते हैं, गरीबों के हित में सारी बातें करते हैं, हर चीज करते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं विधानसभा के अंदर जाके। अच्छा, आप जानते हो उमेश कुमार को काफी मिलते रहते हैं? आप कार्यकर्ता तो नहीं उनके? नहीं, कार्यकर्ता कोई काम नहीं, हमारे व्यापारी आदमी है, कार्यकर्ता कोई नहीं उनका, सब जनता है, जनता है, हम लोग तो मिलते रहते हैं, बस जाते आते रहते हैं कभी। क्या क्या व्यवहार है उमेश कुमार का? बहुत अच्छा है उनका, काफी बातचीत करने में हर चीज में एक्टिव है, आपने देखा है नाला पानी वाला जो काम हुआ था उसके लिए भी उन्होंने देखो सुप्रीम कोर्ट से वकील करके दिया, हर चीज तो करा जनता के लिए, और क्या चाहिए जनता को, ऐसे तो चाहिए। आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो चाहिए ही है, 1% जनता चाह रही है अभी तक बदलाव बीजेपी के अलावा? बस कोई नहीं, एक ही लोग बहुत होता है, एक वोट बहुत काफी होता है, बीजेपी के अलावा और कोई आ नहीं सकता, कुछ भी कह लो आप, बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के साथ सब चलते बन रहे हैं, सिर्फ मोदी के साथ चलते बन रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्षेत्रीय नेताओं की अगर हम बात करें, मोदी जी तो हमारे राज्य के अंदर आएंगे नहीं, आएंगे तो अपना कोई स्टे देंगे या फिर कोई ऑर्डर देंगे। सर कोई काम भी होता है तो विपक्ष में अगर कोई काम भी कराना है, पीछे से काम कराना, तो मोदी के ऊपर सेंट्रल बैठे हैं ना, इसलिए इनको लाना पड़ता है इस चीज के लिए। हाँ, आपको मोदी ही चाहिए? मोदी ही चाहिए, मोदी ही कर सकता है कुछ ना कुछ, वरना कोई नहीं कर सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बधाई आपको, चाहे देखते हैं क्या होता है लोकसभा चुनाव में, बदलाव जरूर होगा, हम यही मिलेंगे इलेक्शन के बाद, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद। चलिए, मतलब भाई जी ने जो बात बोली है तो मैं उनसे मिलूंगा वापस, लोकसभा इलेक्शन जैसे ही होते हैं मिलते हैं, इनसे भी मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लहर लहर बीजेपी की है और हर जगह बीजेपी ही बीजेपी छा रही है इस वक्त,
हर कोई ऋषिकेश की जो जनता है वो उनका रुझान बीजेपी की तरफ ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बने रहिएगा, क्या कुछ रिजल्ट कहते हैं, क्या कुछ रिजल्ट में आता है, क्या सच में इस बार बदलाव होता है या फिर वही पुरानी जो रीत है चलती हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा।